was able to work here. He has never been also handsome, mercy, he has been proud. तो वासुदेव विप्रयाल को थोड़ा सा चिंता होने लगा कि अब मैं आपकी कृपा से बहुत सुंदर हो गया हूँ तो मुझे इसका अहंकार ना हो जाए। तो जब भी हमें धन प्राप्त होता है या हम बहुत सुंदर हो जाते हैं, बहुत पढ़े लिखे हो जाते हैं, तो हमें अहंकार तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से पूछा मैं नम्र कैसे रहूं। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि हरे नाम का जप करो, हरे नाम के गुणों का प्रचार करो, भगवत गीता पढ़ो और भगवत गीता का प्रचार करो। इस तरह से तुम सदैव मेरे साथ रहोगे और मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। आप दक्षिण भारत जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए थे। महाप्रभु के चरण स्थान जो स्थापित करना चाहते थे उन्होंने सबसे पहले प्रारंभ किया दक्षिण भारत से। भक्ति सिद्धांत ठाकुर अपने 20 शिष्यों के साथ दक्षिण भारत की यात्रा के लिए निकले। उनका उद्देश्य था चैतन्य महाप्रभु के 108 चरण चिन्हों को स्थापित करना, बट वो सिर्फ 8 चरण कर पाए। ने बाकी 100 चरण चिन्ह जो है वो हम लोग के लिए छोड़े स्थापित कर दिए। और ये जो प्रोग्राम है और चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों को स्थापित करने का ये रिजोल्यूशन जयप्रकाश स्वामी महाराज के निर्देशन में चलता है। हमको ये अपना उद्देश्य बनाना चाहिए। अब आपको ये आदेश भी मिल चुका है और भगवान चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का हमें पालन करना है। You have to preach Bhagavad Gita, chant Hare Krishna, preach Hare Krishna. So we are very blessed to have their holinesses Radhanath Swami, Gopal Krishna Goswami. Or TOVP, you can have the whole DT of Lord Chaitanya. So yahan par Chaitanya Mahaprabhu ke pada chinh hai, lekin mandir mein pure sakshat Chaitanya Mahaprabhu ke vigrah sthapit honge. Krishna, Krishna, Hare Hare.